अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। लखनऊ, रायबरेली और लखीमपुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहां पर साख दाव पर लगी है। मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, जय कुमार जैकी, रणवीर प्रताप उर्फ धुनी सिंह की किस्मत दाव पर लगी है। राजेश्वर सिंह और आदित्य सिंह पर भी सबकी नजरें हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की भी सख्त दाव पर लगी है। सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा भी चुनावी मैदान में हैं। तो इन सभी की सख्त दाव पर लगी हुई है। आज जो चौथे चरण का मतदान हो रहा है उसमें लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, जय कुमार जैकी, रणवीर प्रताप उर्फ धुनी सिंह की किस्मत दाव पर है। वहीं राजेश्वर सिंह और आदित्य सिंह पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की भी साख दाव पर है। तो सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा भी चुनावी मैदान में है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अशफाक का। अशफाक, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर पर सबकी नजरें यहाँ से जो है दिग्गजों की साख कह सकते हैं दाव पर है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अगर मैं थोड़ा सा डिटेल करूं तो 9 जिले की 59 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है चौथे चरण में। और इसमें जो है, अगर 2017 की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को, यानी बीजेपी को 51, अपना दल को 52 सीटें मिली थी। अगर आप जो है बीजेपी गठबंधन को 51 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को जो है 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और जो है बीएसपी को 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2 सीटें रायबरेली में मिली थी, बीएसपी को 1 सीतापुर में और 1 फतेहपुर में मिली थी। ये जो इलाका है वीआईपी गढ़ माना जाता है। अगर इसमें आप देखें तो लखनऊ अब सिर्फ नेताओं की प्रतिष्ठा दाव पर नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दाव पर है। लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। मोहनलालगंज लखनऊ का संसदीय क्षेत्र है, उससे कौशल किशोर कैबिनेट मंत्री, केंद्र में सरकार में मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। उसके बाद अगर आप देखें तो अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर है। तो कहीं ना कहीं जो है कई नेताओं की प्रतिष्ठा जो है दाव पर लगी हुई है। लखीमपुर चले जाए तो लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी जो है, जो कि गृह राज्य मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई। और मैं आपको बताऊं तो ये 4 जिले ऐसे थे जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। तो ये चारों जिले पीलीभीत, फतेहपुर, बांदा और लखीमपुर था जहां पर क्लीन। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो लखनऊ से जैसा आपने बताया कि मंत्री आशुतोष टंडन चुनाव मैदान में, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री चुनाव पर मैदान में, सरोजनी नगर सीट से जो है आईपीएस थे राजेश्वर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दिया, और स्वाति सिंह जो कि मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका टिकट काट कर उनको लड़ाया जा रहा है उनकी प्रतिष्ठा दाव पर। उनके खिलाफ जो है अभिषेक मिश्रा जो कि बहुत कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। पूजा शुक्ला जो है, जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, उससे शहरी उत्तरी से, लखनऊ से नई है, बिल्कुल युवा है और समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से रिस्क लेकर उनको मैदान में उतारा। दरअसल 2017 में जब योगी की सरकार बनी थी तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र जीवन में योगी को काला झंडा दिखाया था और जेल गई थी, और तकरीबन 11 बार वो जेल जा चुकी है छात्र आंदोलनों के जरिए। उनको मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया था समाजवादी पार्टी ने। उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। और रायबरेली की बात करें तो रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं और कांग्रेस की वहां प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई। 2 जो विधायक जीते थे रायबरेली के, दोनों बीजेपी में जा चुके हैं, आदित्य सिंह और राकेश प्रताप सिंह, दोनों की प्रतिष्ठा इस वक्त दाव पर लगी हुई है। वहीं ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे 2 बार विजयी हुए थे, बीजेपी लहर में भी जीते थे, इस बार उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। हरदोई में नितिन अग्रवाल जो कि नरेश अग्रवाल कद्दावर नेता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं नितिन अग्रवाल, और विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्होंने जीता था आखिरी क्षणों में 2021 में, उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। जी पूनम, बिल्कुल अशफाक, बन रही आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यूपी विधानसभा के चौथे चरण के लिए आज मतदान काफी अहम है इन सीटों पर, खासतौर से क्योंकि रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए चुनौती कही जा सकती है। वहीं अगर लखीमपुर कांड की बात करें तो क्या भाजपा वहां पर दोहरा